Hey to everyone, welcome back on my YouTube channel HOD. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। भोपाल का एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है हबीबगंज, उसका नाम आपने जरूर सुना। ये जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, ये भारत का पहला एयरपोर्ट की तरह दिखने वाला या यूं कहें सेम टू सेम एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन है। इस वजह से पिछले कुछ टाइम से ये जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। तो आज का हमारा वीडियो इसी रेलवे स्टेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा उसका वीडियो जिसका टाइटल हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये जो रेलवे स्टेशन है भोपाल शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पहले भोपाल में भोपाल जंक्शन, उसके बाद फिर हबीबगंज या फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आता है। ये भारत का पहला ISO प्रमाणित प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। पहले जिसका नाम था हबीबगंज था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दरअसल 14 नवंबर को इसका नाम चेंज किया गया था। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। अगर बात करें कि हबीबगंज की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो लगभग साल 1979 में, लगभग आज से 43 साल पहले। अब अगर बात करें कि हबीबगंज का नाम चेंज करके रानी कमलापति ही क्यों किया गया, तो दरअसल जो रानी कमलापति है वो भोपाल रियासत की अंतिम रानी, गौर समाज की गौरव रानी, इसलिए उनकी स्मृति में इस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी कमलापति या फिर हबीबगंज देश का पहला एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को शुरू में लगभग 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जब यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह है, तो इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर होती हैं या होनी चाहिए। इस स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह ही एयर कॉर्नर्स हैं, जिसमें कि एयरपोर्ट की तरह ही दुकानें हैं, कैफेटेरियाज हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में 900 पैसेंजर्स एयर कॉर्नर में बैठ सकते हैं, और वहीं 2000 से ज्यादा पैसेंजर एक साथ प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबली ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दो सब्वे बनाए गए हैं। यहाँ पर भी 1500 पैसेंजर इस अंडरग्राउंड सब्वे पर गुजर सकते हैं। रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है उसे करीब 450 करोड़ की लागत से रीडेवलप किया गया है, और एयरपोर्ट की तरह हर वो फैसिलिटी से लैस किया गया है जो कि एयरपोर्ट पर होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस एयरपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। जैसा कि रानी कमलापति स्टेशन में जो एयर कॉर्नर्स हैं वो पूरी तरह एयरपोर्ट एयर कॉर्नर्स की तरह ही है। इसके अलावा इस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डॉक्यूमेंट्री की सुविधा भी बनाई गई है। इस स्टेशन पर जो वेटिंग लाउंज है, वहां पर पर्सन बैठे बैठे ही ट्रेन का पता लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट की तरह ही वेटिंग लाउंज में LEDs लगी हुई हैं। और इसके अलावा पैसेंजर्स MP टूरिज्म और MP हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ना चाहें, तो वेटिंग लाउंज के अंदर ऐसी फैसिलिटीज भी हैं। अगर रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी की बात की जाए, तो पूरे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अप्रॉक्स 170 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, जो पूरे रेलवे स्टेशन के लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया पर नजर रखेंगे, और रिकॉर्ड की गई जानकारी अप्रॉक्स 1 मंथ तक सेव रहेगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है, जो की इंडिया की पहली सर्टिफाइड ट्रेन स्थान है। भोपाल का हेडक्वार्टर भी है, और साथ ही इस रेलवे स्टेशन पर और कई बड़ी ट्रेनें भी स्टॉपेज हैं। PPP मॉडल पर रीडेवलप हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को बंसल ग्रुप ने तैयार किया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1989 में हुआ था पहली बार। अगर बात करें इसका नाम हबीबगंज कैसे पड़ा था, तो ब्रिटिशर के टाइम में 1905 में इस जगह को बनाया गया था। हबीबगंज इसका जो नाम था वो हबीब मियाँ के नाम पर रखा गया। इसके पहले इसका नाम शाहपुरा हुआ करता था। हबीब मियाँ ने 1979 में इसके एक्सपेंशन यानी इसके विस्तार के लिए अपनी जगह दी थी। आज जो MP नगर है, पहले इसका नाम गंज था, तो हबीब और गंज को मिलाकर हबीबगंज नाम रखा गया था। अब जो हबीबगंज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसका पहला मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट 14 जुलाई 2016 को हुआ था, जहां इंडियन रेलवे ने PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हबीबगंज को मॉडर्नाइजेशन करने का तय किया था। और अप्रोक्स 5 सालों तक चले इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के बाद 2021 में हबीबगंज पूरी तरह तैयार हो चुका है और बन जाता है भारत का पहला एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HOD। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।